नमस्कार, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी जन लोक का हिस्सा से भोजपुर जिला का है, समाप्त विचार है। कल मनमोहन सिंह करेंगे नामांकन और जिस चुनाव में इनका क्या मुद्दा होगा, सभी बिंदुओं पर हम इनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे। अब सीधे सामने आपको तस्वीरों में सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं मनमोहन सिंह, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से लोकसभा कैंडिडेट हूं हरा से। क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में आपका? चुनाव में मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे तो पहला मुद्दा ये होगा कि हर बार ये देखा गया है आज़ादी के बाद से कि यहाँ पे बाहरी को ला करके थोप देता है लोग कि आप लोग यहाँ पे भोजपुर राशि झेलिए। उस व्यक्ति को जिसको भोजपुर के बारे में कुछ पता नहीं है, ना आबो हवा पता है, ना यहाँ के लोगों के बारे में पता है, ना यहाँ की समस्याओं के बारे में पता है, वैसे लोगों को यहाँ पे ला करके हमारे सर पे थोप देता है लोग कि आप अब इनको झेलिए। तो हम लोग पहले बाहरी को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ का जो लोकल है, मेरी तरह से जो कि यहाँ के लोगों से संपर्क में रहते हैं, उनके दुख दर्द अच्छा बुरा के बारे में जो हम लोग आपस में चर्चा करें, विचार करें और उसको परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें, वैसी यहाँ पे मतलब कि व्यवस्था करना है हम लोगों को। तो उस तरीके की व्यवस्था करने के लिए कितने लोगों का इस बार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस बार दो गुट सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक महागठबंधन और एक राजद के आरके सिंह जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, चूंकि जो पार्टियां पहले से स्थापित हैं, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, ये दोनों गठबंधन जो हैं पहले से स्थापित हैं और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जिसका स्थापना आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी ने 2018 में किया है, और जिस तरह से हर समाज का, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब बड़ा छोटा, हर समाज को 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चलने का जो जज्बा शेर सिंह राणा के पास है, उस जज्बे को देखते हुए सभी समाज का, सभी धर्मों का इस पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है और वो 4 जून को देखने को आप सभी को मिलेगा। कल आप नामांकन कर रहे हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे आप इस नामांकन को लेकर? मैं नामांकन में ये अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग नामांकन में भी पहुंचे और 1 जून को वोट देने के लिए प्रत्येक घर से, चाहे बहने हो, माँ हो और जितने हमारे अभिभावक हों, सारे लोग जाएं और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का बटन दबाएं। मनमोहन जी, बाहरी बनाम लोकल की बात हो रही है, लेकिन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा विकास का होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, इन सब को लेकर आपका विजन क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगारी ये तो हर परिवार की आवश्यकता है, शिक्षा भी आवश्यकता है, स्वास्थ्य भी आवश्यकता है, और मतलब भगवान ने पेट दिया है तो आपको भोजन पानी का भी व्यवस्था करना है। यह जो सरकार है, जब 2014 में ये एनडीए की सरकार आई थी तब इन लोगों का वादा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो इनका जो था विकास के नाम पे खत्म हो गया, नौकरी के नाम पे तो खत्म हो गया, आप सारे मीडिया बंधु देख ही रहे हैं। दूसरी बात इनका था 100 स्मार्ट सिटी का इनका वो जुमला भी खत्म हो गया। तीसरी बात काला धन लाने का, वो भी उनका जुमला खत्म हो गया। चौथी बात प्रत्येक सांसद जो है एक आदर्श ग्राम को गोद लेंगे और उसको डेवलप करेंगे, वो भी जुमला खत्म हो गया। हमारे भी जो सांसद हैं आदरणीय श्री आरके सिंह जी, जो कि अभी मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री, इनका जो गुणी गांव है आप लोग जाकर वहां पे व्यवस्था देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आरके सिंह जी हैं वो भोजपुर से अपना जुड़ाव बताते हैं कि गजियापुर में मेरा ससुराल है। मैं अभी कुछ दिन पहले गजियापुर गया था वोट मांगने के लिए, जब मैं वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था देखा, जो गजियापुर वहां का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, वहां पे डॉक्टर नहीं है। मैंने पूछा तो फरवरी या मार्च वहां पे डॉक्टर गायब हैं, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वह जो गांव है अपना मतलब कि बहुत सारे गांवों को मतलब बढ़हरा प्रखंड में, बढ़हरा के बाद वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दूसरे नंबर पे, जो कि बहुत सारे गांवों को लाभान्वित करता है और वो बाढ़ वाला इलाका है। तो उस तरह का जहां पे व्यवस्था है, जहां पे रात को डिलीवरी हो, सांप काट दे, बिच्छू काट दे या अन्य किसी भी तरह की परेशानी हो जब बाढ़ इलाके में, जिस हॉस्पिटल के ऊपर वहां के बहुत सारे गांव डेवलप ये डिपेंड है, उस गांव की ये व्यवस्था, जो कि आरके सिंह जी अपने आप उस गांव से जुड़ाव लोगों को बताते हैं। दूसरी बात, एक ध्रुव टोला गांव है जो कि गजियापुर से मतलब कि करीब करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है, उस गांव में 40 वर्षों से लोगों का मांग रहा है कि भाई हमारे रोड को बना दिया जाए, वो रोड नहीं बनने कारण बाढ़ वाले इलाके में करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर लोगों को घूम करके आना पड़ता है, मजबूरी में, मुसीबत में। वहां का जो हॉस्पिटल ये
एम प्लस टू जो विद्यालय है तो वहां में मैंने देखा है कि अभी मतलब कि सब बिल्डिंग कुछ है वहां पे ढह रहा है। मैं जब वहां के शिक्षकों से मैंने बात किया तो कहा कि अभी ये पास हुआ है या हो रहा है, उन्होंने आश्वासन हमको दिया। तो चूंकि उसको मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बोल पा सकता हूँ, लेकिन वहां पे डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा वहां पे नहीं है, इस चीज के लिए मैं मतलब कि सवाल और है। राष्ट्रवादी जनरल पार्टी सत्य एक वर्ग विशेष की पार्टी के तौर पर जानी जाती है, ऐसे में आप सभी वर्ग के और सभी जाति को कैसे जोड़ पाएंगे? ये जिसने भी कहा है कि वर्ग विशेष की पार्टी है ये सरासर गलत है। किसी भी काम को कोई सुरमा ही करता है, चाहे वो हमारे आदरणीय लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे जीतनराम मांझी जी हो, हर किसी ने कहीं ना कहीं किसी विशेष जाति में ही उनका मतलब कि जन्म हुआ है और उन्होंने जो काम किया है। तो इस तरह से पार्टी को जाति विशेष से जोड़ देना कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन इस हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी सुप्रीमो नहीं है जो कि 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चलने की बात करता हो। वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य और इसके जो राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भाई शेर सिंह राणा है वही है कि मैं हर धर्मों को बराबर सम्मान दूंगा, हर समाज को एक साथ लेकर के चलूंगा। छत्तीसगढ़ चर्चा है महागठबंधन के जो भाकपा माले प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद और ये राजग के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रत्याशी आर के सिंह, इनके बीच लड़ाई की, ऐसे में आप एक तीसरा मोर्चा के तौर पर क्या अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? जी बिल्कुल, तीसरा मोर्चा के तौर पर चूंकि भाकपा माले को भी सभी लोगों ने देख लिया है महागठबंधन को और एनडीए गठबंधन को भी पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है, तीसरा मोर्चा विकल्प के रूप में जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, हमारी जो पार्टी है पूर्ण रूप से खड़ा उतरने का प्रयास करेगी कि हर किसी का दुख दर्द पीड़ा में हम लोग साथ रहेंगे। कल नामांकन को लेकर के मैं जनता से यह अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग नामांकन में आए और हम लोग अपना ताकत दिखाएं। कौन जी का नामांकन है पार्टी के जिला अध्यक्ष? मैं पहले अपने मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमारे पार्टी का मनमोहन सिंह का जो कल नॉमिनेशन है हम लोग को पूरे जिला से मान और सम्मान मिल रहा है और चढ़ बढ़ करके हमारे पूरे जिला के लोग, हर जाति हर बिरादरी हर धर्म के लोग हम अपने आप अपने से चलकर आ रहे हैं, अपने गाड़ी घोड़ा बहुत सारे लोग चलते आ रहे हैं और इसमें मेरा नामांकन जो होगा भोजपुर में एक बहुत जोरदार होगा और मैं यही कहूँगा कि हम लोग का नामांकन जो हो वो सफल होगा। जनता के बीच में हम लोग हैं और वोट मांगने भी जा रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है हर गांव में, देहात जो क्षेत्र है कहीं कोई गांव में जो यहाँ के बने हुए मंत्री जी जो है कहीं अपना कुछ खर्च पैसा फंडिंग नहीं किए हैं और शहर में खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम ही बना दिए वो बना दिए ऐसे बना दिए, तो ये अब की जुमलबाजी चलने वाला नहीं है। हमारे जनता भोजपुर का जो तैयार हो गई है तीसरा मोर्चा में हम लोग को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का वोट देने के लिए और हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा। 4 जून को हम लोग बहुत सफलता के रूप में यहाँ उभरेंगे, इसी के लिए धन्यवाद। भोजपुर मनमोहन जी को नामांकन करेंगे आरा लोकसभा से। जी हाँ, बड़े ही हर्ष की बात है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य पिछले 5 वर्षों से बिहार में पूर्ण रूप से सक्रिय है राजनीतिक और सामाजिक स्तर से भी और पार्टी जिस तरह से जितने जोश और खरोच से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और अपनी दावेदारी बिहार के सत्ता के गलियारे में की थी उसी जोश और खरोच से उससे दुगने जोश और खरोच से जन आशीर्वाद से पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है और कल यहाँ आरा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भावी प्रत्याशी है जिनका कल नामांकन होने जा रहा है सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और हमें भरोसा है कि इस बार सभी लोग यहाँ का नामांकन देख के राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का नामांकन देख करके वहाँ भीड़ देख के जन आशीर्वाद देख करके चौंक जाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ भाजपा का कोई ईडी और सीबीआई का उपयोग करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पैसे उगाही करके के नामांकन नहीं होने जा रहा है, वो पैसा खर्च नहीं होने जा रहा है। गरीब की किसान का बेटा है यहाँ का उम्मीदवार, देश की सेवा कर चुका है, फौजी रहा है और उसके साथ जितने भी लोग हैं इनके साथ सभी अपने अपने खर्चे से और तन मन धन से लगे हुए हैं और
किसी की यहाँ कोई पैसे की बात नहीं है। यहाँ अन्य पार्टियों में माले हो या भारतीय जनता पार्टी हो जिनके अभी वर्तमान सत्ता है केंद्र में और बिहार में भी, उनके यहाँ जितने भी आप सभी मीडिया के बंधु भी जानते हैं कि जितने भी लोग आएंगे उसमें से 75% लोग पैसे पर बुलाए होंगे लोग, और शाम तक ये भेद खुल भी जाता है हर बार की तरह, इस बार भी खुल जाएगा कि सभी पैसे पर बुलाए गए भीड़ थी, लेकिन कल का जो भीड़ हमारे राष्ट्रवादी साथियों का इस पार्टी के साथ होगा वो सभी सच्चे राष्ट्रवादियों का होगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद, प्यार, सहयोग भी मिल रहा है। क्षेत्र में हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं अपने उम्मीदवार को लेकर के, अपने यहाँ लोकसभा सांसद की दावेदारी को लेकर के, और बहुत ही भारी विरोध है हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री माननीय आर के सिंह जी का, और पार्टी एक विकल्प के रूप में यहाँ उभरेगी। जनता ढूंढ रही थी कि अभी तक कोई विकल्प के रूप में नहीं था, और पार्टी ने यहाँ विकल्प दे दिया है जनता को, इसलिए जनता इस बार अपनी वोट जाया करने नहीं जा रही है और सबको चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिलेगा इस बार।